जय श्याराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रबोधनी एकादशी देवोत्थानी एकादशी के नाम से जानी जाने वाली परम कल्याणकारिणी एकादशी महारानी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। वर्ष की श्रेष्ठ एकादशियों में से ये एक है, जैसे कि निर्जला एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और आने वाली उत्पन्ना एकादशी, ये उत्तम उत्तम मानी गई हैं। बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिलती है, जो हम लोग जानबूझ करके दिन रात साजिश करके मन से बेमन से बिना मतलब के भी झूठ बोल के करते रहते हैं, उन सारे पापों से मुक्ति देते हुए बड़े बड़े अश्वमेध जैसे हजारों यज्ञ करने के पुण्य के बराबर इस व्रत के करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बड़ा भ्रम बना हुआ है कि 14 नवंबर को एकादशी व्रत करें अथवा 15 नवंबर 2021 में एकादशी व्रत करें देवोत्थान एकादशी। तो मेरे भाई बहन, 15 नवंबर को करना शास्त्रीय दृष्टि से बहुत बहुत ही उत्तम है। हमारे अयोध्या जी, वृंदावन, मथुरा और काशीपुरी और हरिद्वार इत्यादि के जो भी योग्य ब्राह्मण हैं, संत जन हैं, वो सब इसी दिन को कर रहे हैं। पर 14 को भी अगर आप 15 को व्यस्त हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि संडे है तो उसका लाभ ले सकते हैं। अगर 14 को जो भाई बंधु व्रत करेंगे वो 15 तारीख को, 15 नवंबर को दिन में 1:10 से लेकर के और 3 बजे के अंदर पारण करना हरिवासर के समय उत्तम रहेगा। जो भाई बंधु, मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग 15 को ही कीजिए, व्रत का नियम पालन करेंगे। उन लोगों के लिए जो पारण है 16 नवंबर को प्रातः 6:30 से लेकर के और 8:30 के अंदर, 8:15 के अंदर करना उत्तम रहेगा। अब बात आते हैं नियम की, बात आते हैं तो ये स्पेशल एकादशी व्रत है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी के नियम का भी पालन हमें करना चाहिए। एक दिन पहले से लहसुन प्याज बैगन कुंदरू का त्याग, उसके साथ में ही बीड़ी सिगरेट और मांस मदिरा इत्यादि का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोने से पहले मंजन कर लेना चाहिए दशमी को। और उसके बाद में जो लोग प्रातः सेविंग करके, मान लिया 15 को व्रत कर रहे हैं और उनको ऑफिस जाना है, सेविंग करना रहता है, तो रात्रि में सेविंग करके बढ़िया से सो जाएं, नहा धो करके प्रातः उठना चाहिए। आसपास कोई नदी हो, सरोवर हो, तीर्थ हो तो वहाँ जा करके स्नान कराएं, नहीं तो अपने घर में ही जैसे मैं बोलता हूँ, स्नान करने के पहले 2 बूंद कोई भी पवित्र नदी का जल टब में बाल्टी में डाल करके उसमें और जल मिला करके, और नहाने के पहले अगर आपके पास उपवास वाला अलग ब्रश और जिह्वा है तो उससे कर लीजिए बिना मंजन लगाए। अगर नहीं है तो गर्म पानी से उंगली के द्वारा ऐसे भी कार्य कर सकते हैं। लाली लिपस्टिक, नेल पॉलिश, परफ्यूम, ये सब का हमें पूरा जो है कॉस्मेटिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों को बुला करके, आचार्यों को बुला करके विधिवत विशेष भगवान की पूजा नहीं, कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए देवोत्थानी एकादशी के दिन, क्योंकि 4 महीने के पश्चात भगवान जी का जो है दर्शन इस रूप में होता है। इसकी कथा मैं आगे कहने का प्रयत्न करूँगा। इसके बाद में जो व्रत की विधि है कि जैसे कि सबसे उत्तम है हम निर्जला रहें, नहीं तो 1 समय 2 समय जल पी के रहें, नहीं तो भैया नहीं हो सकता दूध पी लें, नहीं हो सकता फ्रूट्स खा लें, नहीं हो सकता ड्राई फ्रूट्स खा लें, 1 समय 2 समय लिमिट में, ताकि अगर हम ज़्यादा खाएंगे शरीर हमारा भारी हो जाएगा। और ये जो राजगीरे का आटा है और साबुदाना इत्यादि सब हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तिन्नी का चावल खा लेते हैं, वो सब भी हमें नहीं खाना चाहिए, सावा इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद में नहीं हो सकता तो आलू इत्यादि, अरवी इत्यादि, सूरन इत्यादि, अथवा अच्छा होगा कि हरी सब्जी कुछ वैसा हो तो आप ग्रहण कर लें, ना करें तो ही अच्छा है, कोई मरने वाला नहीं है। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, उन सबको छूट है। रात्रि के समय तुलसी विवाह का संध्या वेला में अथवा रात्रि में बड़ा ही महत्व किया जाता है, तो जो लोग 15 को व्रत करेंगे तो उनको डबल लाभ मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी विवाह करने का उत्तम मुहूर्त 15 को ही है। एकादशी युक्त द्वादशी तिथि में शास्त्रों के अनुसार उसको ही उत्तम माना गया है, तो दोनों लाभ मिल जाएगा, अच्छी तरह आप कर पाएंगे। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 14 तारीख को भी व्रत रख करके संध्या वेला में तुलसी विवाह कर सकते हैं, बिना इफ बट परंतु के कारण के बिना,
बिना कोई संकोच के, निसंकोच कीजिए, करना आवश्यक है। इसके साथ में मैया तुलसी जी का विवाह किया। अगर विवाह की विधि आपको नहीं आती, आपने वीडियो नहीं देखा, तो इस लिंक को टच करके तुलसी विवाह का जो है आप स्वयं विधि कर सकते हैं, करना चाहिए। बहुत बहुत पुण्य मिलता है तुलसी मैया जी का विवाह करने से। अब इसके साथ में ही अगले दिन, जैसा कि मैंने बताया, हाँ, रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन फिर हमें पारण करना चाहिए। पारण का जो समय मैंने बताया, जो लोग 14 को व्रत करेंगे वो लोग 15 को दिन में 1:15 बजे से लेकर के 3:15 बजे के अंदर पारण करेंगे, और जो लोग 15 को व्रत करेंगे वो लोग प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे के अंदर करना, 5-7 मिनट का कुछ आगे पीछे हो सकता है, उत्तम रहेगा। व्रत की ये विधि हो गई। कथा की बात आती है, कई कथाएं प्राप्त हैं, उसमें एक कथा ये है कि लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से प्रार्थना किया कि आप तो स्वयं बिजी रहते ही हो, हम लोगों को भी बिजी करके रखे हो। कहते ना कि अगर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हैं तो ज़्यादा सतर्क रहते हैं वहाँ के सेवा वाले, और महालक्ष्मी जी तो स्वयं नारायण जी की सेवा करती हैं, लेकिन अगर वो सो जाए तो महाप्रलय हो जाए। तो कुछ ऐसा उपाय करो प्रभु कि आपको भी थोड़ा आराम मिल जाए और जय जय से आराम आपके भक्तों को भी आराम मिल जाए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हाँ महालक्ष्मी, आप सही कह रहे हो, कुछ मैं थोड़ा विश्राम लेता हूँ, अर्ध विश्राम कह सकते हैं। तो उस प्रकार से जो है वो आषाढ़ में जो देवशयनी एकादशी को जो है विश्राम करते हैं, उनको तो पलक झपकते 4 महीना बीत जाता है, तो ये देवउत्थानी एकादशी को जागृत होते हैं हम लोगों की दृष्टि में। बाकी तो योग निद्रा उनकी काम करती ही रहती हैं। और इस दिन हम लोग विशेष उत्सव मनाते हैं। इस दिन गन्ना ईख जिसको बोलते हैं, ये चूसने का बड़ा महत्व है। इस दिन ईख जो है गन्ना का हमें सेवन करना चाहिए। पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, उसके बाद में सेवन करना चाहिए, नहीं दूसरे दिन भी आप रसमापान कर सकते हैं। अब दूसरी जो कथा आती है कि एक बहुत पुण्यशाली राजा थे, नियम से महा एकादशी का व्रत करते थे। उनके राज में एक व्यक्ति आया और राज के व्यवस्था में निवेदन करके उसको नौकरी मिल गई। तो राजा ने कहा, भाई एक ही शर्त है कि हमारे यहाँ जितने लोग रहते हैं सब एकादशी व्रत करते हैं, तुमको करना पड़ेगा। तो उसने कहा, महाराज मैं अवश्य मानूंगा, पर एकादशी के दिन वो जाके महाराज के चरणों में गिर गया, महाराज हमें क्षमा करें, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उसको जो है राजा को दया आ गई, उसको खाने पीने की सामग्री दे करके कहे, भाई यहाँ हमारे राजपाट में मत बनाओ, बाहर जा करके बना लो। बाहर जा करके बनाया और उसकी भावना से जब भगवान को बिल्कुल श्रद्धापूर्वक भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए, उसके साथ में भोजन ग्रहण किए, क्योंकि बाकी सब लोग तो फलाहार ही खिला रहे थे, पर ये आप ऐसा मत करना। हाँ, घर में भोजन वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए बनता है, तो निश्चित भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि व्रत आपका है, हमारे राम जी का श्याम जी का व्रत नहीं है। तो फिर जब अगली एकादशी आई तो राजा ने उसको अन्न दिलाया, तो उसने कहा, महाराज अन्न जो है जरा डबल कर दीजिए, वो तो भगवान आके ग्रहण कर गए। कह ऐसा कैसे होता है? कहा, महाराज मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा गए, छिप करके पेड़ के पास बैठे थे, तो परमात्मा को तो पता चल गया कि आज राजा आए हैं हमको देखने के लिए, तो इसलिए वो प्रकट नहीं हुए। उसने भोग लगाया, बड़ी मन्नत की, बहुत विनती किया, उसको लगा कि अरे हम इतने बड़े पापी हैं या जो भी हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रसाद भगवान ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहे हैं, इस जीवन का क्या मतलब रह गया। तो मरने के लिए तैयार होता है, तालाब किनारे जाता है, छलांग मारने की कोशिश करता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको प्रेम से उस स्वस्थ शरीर विमान सहित स्वर्गलोक में ले जाते हैं। और राजा के मन में बड़ा पश्चाताप होता है कि हम व्रत तो अवश्य करते हैं, पर हम दिखावे में वो श्रद्धा भक्ति से नहीं करते हैं, जिस श्रद्धा भक्ति से इस व्यक्ति ने व्रत ना करते हुए भी नियम का यथासंभव पालन किया था। तो भैया, वो मेरे व्रत करना बहुत उत्तम है, पर हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, और इस व्रत का तो इतना बड़ा नियम है कि हम कितने बड़े ही पापी क्यों ना हो, और पाप तो हम लोग जानबूझ करके करते हैं, सारे पापों से मुक्ति दिलाता है, अश्वमेध जैसे हजारों अश्वमेध करने के बाद जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो इस एक एकादशी देवउत्थानी एकादशी प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हम श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक व्रत करेंगे। तो मेरे भाई बंधु, इस दिव्यतम व्रत का
पावन लाभ लीजिए। यही नहीं, इस दिन अगर हो सकता है तो कुछ नहीं तो हरि नाम संकीर्तन रात्रि में करवा दीजिए, अखंड पारण का अखंड रामचरितमानस का पाठ करा दीजिए, नहीं तो सुंदरकांड का ही पाठ करा दीजिए, संकीर्तन रख लीजिए, जो भी करना है जो भी संभव हो सकता है, नहीं माला जाप कर लीजिए, कीजिए अवश्य। रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो और तुलसी मैया और नारायण का विवाह हो के उन्हीं के सामने बैठ करके पूरा संकीर्तन करना बहुत बहुत ही पुण्यफलदायी है। और अगर आप अयोध्या जी मथुरा जी इत्यादि नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही रख करके कोई जो है गीता जी की पुस्तक है अथवा श्री राम रामायण जी की पुस्तक है, वो भी नहीं तो हनुमान चालीसा की पुस्तक है, शिव चालीसा की पुस्तक है, तुलसी मैया का वृक्ष है, गौ माता है, उन्हीं का 11, 108, 21 जितना भी हो सकता है परिक्रमा करके आप लाभ ले सकते हैं। तो मेरे भाई बंधु इस अवसर का पूरा लाभ लीजिए। और ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि मेरे पिताजी इस दिन बहुत बिजी रहते थे, हम लोग जैसे गणपति में विशेष बिजी रहते हैं वैसे मेरे पिताजी प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत जो है, मैं बहुत छोटा था 10-11 वर्ष का, तब एक दो कथा में भी बाँचने गया था, बट ना तब मैं जल्दी कर पाता था ना आज कर पाता, इसके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर आनंद बहुत आता है कि चलो प्रभु की जो इच्छा जो सेवा ले रहे हैं। तो मेरे भाई बहन इस दिव्यतम एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये व्रत अवश्य कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।